नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी कर्नाटक में भी जोर तोड़ की राजनीति करने में जुट गई है। जैसे ही एग्जिट पोल के माध्यम से बीजेपी को ये खबर लगी कि बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पा नहीं पाएगी और बीजेपी 6 सीटें जो बहुत ज़रूरी है वहाँ कर्नाटक में जीतना वो हासिल नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर जोर तोड़ की राजनीति शुरू की हो गई। यहाँ पर हम बता दें, कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव जहाँ पर 17 सीटें टोटल खाली थी लेकिन सिर्फ 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और जहां पर पहले से ही 12 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और यहां पे चुनाव हो चुके हैं। नतीजों की बात करें, फाइनल नतीजे 9 दिसंबर को आने हैं लेकिन उससे पहले सत्ता के गलियारों में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको पार पाना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर खरीद फरोख्त कर सकती है। अब यहां पर 9 दिसंबर का इंतजार रहने वाला, लेकिन यहां पर एग्जिट पोल के माध्यम से हम यहां पर जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। टोटल बता दें, कर्नाटक में 224 सीटें हैं जहां पे बीजेपी के पास 106 विधायक, कांग्रेस और जेडीएस जिसका गठबंधन चलता है, कांग्रेस के 66, जेडीएस के 34 और अदर के खातों में 1 सीट है। वहीं 17 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 17 सीटें खाली थी सॉरी, और 15 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर जो यहां पे इन 15 सीटों में से बीजेपी 6 सीटें नहीं जीत पाती तो यहां पे बीजेपी कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी और ये 9 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, वोटिंग टोटल हो चुका है। वोटिंग के लिए बात करें कुल मतदान की तो 60% टोटल करीब मत पड़ा और लेकिन चिकवल्लापुरम में बात करें सबसे अधिक वोटिंग हुआ, वहां पे लगभग 80% वोटिंग हुआ। अब आते हैं फाइनल एग्जिट पोल पर, क्या कहता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के हिसाब से देखें बीजेपी 4 से 6 सीटें, यानी कि अगर जो 4 सीटें जीतती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर जो कहीं और से समर्थन नहीं मिला तो। लेकिन अगर जो बात करें जेडीएस कांग्रेस की तो 8 से 12 सीटें जेडीएस और कांग्रेस मिलकर निकालते हुए दिख रही हैं। वही बात करें अदर के खाते में 0 से 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आपके लिए सोचना बहुत जरूरी होता है कि अगर जो मान लो बीजेपी कहीं से भी 6 सीट निकालने में कामयाब ना हो पाती है तो क्या होने वाला है, सरकार गिर जाएगी। तो बने रहिए कि कर्नाटक चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए, हर एक एवरी सेकंड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।